बालों को सेपरेट करके मिनोक्सिडिल की बूंदों को, लोशन को आपको स्कैल्प पे डालना है। अब आप अपनी फिंगर से उसको हल्के हल्के मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि मिनोक्सिडिल आपकी स्कैल्प की स्किन पे पूरी तरह से फैल जाएगा और धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने मिनोक्सिडिल के बारे में डिस्कस किया था। जैसा आप जानते हैं कि मिनोक्सिडिल बालों को झड़ने से रोकने की और अनुवांशिक गंजेपन को दूर करने की सबसे प्रभावशाली मेडिसिन में से एक है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मिनोक्सिडिल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कितने दिनों तक इस्तेमाल के बाद हम इसके इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं, और क्या मिनोक्सिडिल को हम कभी रोक सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मिनोक्सिडिल को रोकने के बाद हमारे बाल चले जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि लेडीज़ में क्या ये फेशियल हेयर ग्रोथ को बढ़ावा तो नहीं दे देगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में मिनोक्सिडिल को लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मिनोक्सिडिल गंजेपन को दूर करने में यूज़ की जाती है। इसके बारे में मैं आपको तमाम जानकारी पिछले वीडियो में दे चुका हूँ कि ये कब बनी थी, इसको कैसे कैसे यूज़ में लाया गया, इसको हम साइड इफ़ेक्ट्स से क्या हैं, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यदि आपको वो जानकारी चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कि मिनोक्सिडिल को कैसे लगाना चाहिए। देखिए, मिनोक्सिडिल की हर बॉटल के साथ एक स्प्रेयर और एक ड्रॉपर दोनों आता है। तो यदि आपको ड्रॉपर यूज़ करना है तो आप जितनी मात्रा आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताते हैं, जैसे कि जनरली ये 1 ml रहती है डोज, तो उतना आपने ड्रॉपर में आप उसको ले लीजिए एक बार में। अब आप अपने बालों को, सिर को अलग 6 भागों में डिवाइड कीजिए, जैसे कि राइट एंड लेफ्ट फ्रंट, मिड में राइट एंड लेफ्ट, एंड क्राउन में राइट एंड लेफ्ट। अब बालों को सेपरेट करके मिनोक्सिडिल की बूंदों को, लोशन को आपको स्कैल्प पे डालना है। तो जब आपने बालों को सेपरेट कर लिया तो बूंदें जो हैं वो डायरेक्टली स्कैल्प पे जाएंगी। पूरे एरिया में आपने इक्वली इसको डिवाइड करके डाल दिया। अब आप अपनी फिंगर से उसको हल्के हल्के मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि मिनोक्सिडिल आपकी स्कैल्प की स्किन पे पूरी तरह से फैल जाएगा और धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि मिनोक्सिडिल आपकी स्कैल्प पे लगे, बालों पे लगाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको स्कैल्प पे लगाएंगे तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो करके बालों की जड़ों को मजबूत करेगी। और आपको मेनली फ्रंट से लेके क्राउन, ये एरिया आपको कवर करना है। पीछे का हिस्सा, साइड का हिस्सा, इसमें मिनोक्सिडिल को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मिनोक्सिडिल को लगाने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश कर लें। ऐसा क्यों करना, ये मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो ड्रॉपर को मैंने आपको यूज़ करने का तरीका बता दिया। अब यदि आपको स्प्रेयर यूज़ करना है तो स्प्रेयर को आप अटैच करके 5 या 6 स्प्रे में आपका 1 ml की डोज लगभग हो जाती है। तो अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 स्प्रे करेंगे आप। डेफिनेटली बालों को आप हटा करके ही करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप स्प्रेयर या ड्रॉपर, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, वो आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और इसी तरह से इसको डेली आप यूज़ करिए। दिन में इसको आप 2 बार लगाइए। एक बार लगाने पे कई बार इसकी जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है वो उतना नहीं आता है। कुछ लोग यदि ज़्यादा बिजी हैं और दिन में एक बार लगाना चाहते हैं तो उनको मेरी यही सलाह है कि आप एक बार लगा लीजिए, पर जितना हो सके आप अपनी एक छोटी सी बॉटल रहती है उसको आप अपने साथ बैग में रख लीजिए, और जब भी आपको अपना सुबह कम्यूट करते समय, ऑफिस जाते समय टाइम मिलता है, उस टाइम पर आप उसको यूज़ कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आता है कि मिनोक्सिडिल मुझे कितने दिनों तक लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई पूरा गंजा हो जाए। बाल आपके कुछ टाइम के लिए जाने शुरू होते हैं और फिर उसके बाद वो रुक भी जाते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप मिनोक्सिडिल को कंटिन्यू कीजिए, लगाते रहिए, एक डिज़ायर्ड इफेक्ट आने दीजिए बालों का, और फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा करके यदि उनकी परमिशन हो तभी उसको बंद कीजिए। होता क्या है कि आपके जो बाल मिनोक्सिडिल की वजह से मजबूत हैं या मिनोक्सिडिल की वजह से जो उगने शुरू हुए हैं, जब आप मिनोक्सिडिल को बंद कर देंगे तो वो बाल फिर से ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे ही बाल ख़त्म हो जाएंगे, ये दोनों चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। मिनोक्सिडिल उन्हीं बालों को उगा रही है जिनकी रूट्स वीक है, जेनेटिकली या अनुवांशिक रूप से जिनकी रूट्स में डिफेक्ट है।
उनकी रूट्स को मिनोक्सिडिल मजबूत करके रखता है। तो जब आप मिनोक्सिडिल को लगाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे 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 रूट्स जो है फिर से श्रिंक होने लगती हैं, और ये वही रूट्स श्रिंक होंगी जो कि एक्चुअल में आप अनुवांशिक रूप से आपकी वीक थी। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या मैं मिनोक्सिडिल को लगाने दी बंद कर दूं तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे सारे बाल चले जाएंगे? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके सारे बाल चले जाएंगे, ठीक है। आपको वैसे तो मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम है, और यदि आप उसको कंटिन्यू भी करते हैं लगाना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई साइड इफेक्ट लग रहा है तब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बता करके उस मिनोक्सिडिल को आप या तो डोजिंग को कम कर सकते हैं या उसको लगाना बंद कर सकते हैं। ये कहना बहुत ही गलत है कि क्या मिनोक्सिडिल की हमें आदत पड़ जाती है। बेसिकली मिनोक्सिडिल की आदत नहीं पड़ती है, मिनोक्सिडिल हमारे बालों को चूंकि अच्छा करके रखा हुआ है तो उसके लिए हमें उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मिनोक्सिडिल को कम से कम आप 3 से 4 महीने के लिए इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको उसका असर दिखाई देना शुरू हो जाए, और उसके बाद आप जितने समय तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसको सिर्फ लगाना है आपको, उसमें कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स को फिनेस्टाइड के साइड इफ़ेक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो फिनेस्टाइड एक टोटली डिफरेंट मेडिसिन है, तो फिनेस्टाइड की वजह से इसके साथ घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या गारंटी है कि मिनोक्सिडिल मेरे बालों को अच्छा करेगा? तो एज यू नो कि कोई भी इंसानी शरीर और दवाइयाँ दोनों अलग अलग तरीके से हर शरीर पे काम करती हैं, तो मिनोक्सिडिल के साथ भी ये सेम ही है। 70% पॉपुलेशन मिनोक्सिडिल अच्छा काम करती है, 20-30% में बहुत कम काम करती है। तो जब तक आप 3-4 महीने मिनोक्सिडिल को नहीं लगाएंगे तो डॉक्टर को भी नहीं पता चलेगा, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को भी नहीं पता चलेगा कि मिनोक्सिडिल आपके शरीर में कितना ज़्यादा काम करने वाली है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हमें मिनोक्सिडिल लगाने के बाद शैम्पू कर लेना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, आप शैम्पू कर लीजिए पहले, बालों को सुखाने के बाद आप स्कैल्प के ऊपर मिनोक्सिडिल को लगाइए, बालों पे मत लगाइए, क्योंकि यदि आप बालों के ऊपर मिनोक्सिडिल लगेगा तो आपके बाल हार्ड होने लगेंगे, आपको थोड़ा अनईजी लगेगा। यदि आपके बालों पे लग भी जाता है मिनोक्सिडिल तो आप ऐसा कीजिए, ऑयल हाथ में लीजिए, ऑयल को हल्का सा हाथ में आपने फैला लिया और आप उसको फिर शाइनिंग के लिए आप बालों के ऊपर स्प्रेड कर लीजिए ऑयल को। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है पेशेंट्स के लिए कि मिनोक्सिडिल के साथ साथ आप ऑयल को इस तरह से लगा लेंगे तो आपके बालों में एक शाइन भी आ जाती है और बाल आपके स्मूथ भी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मिनोक्सिडिल के बाद मुझे नहीं टॉयलेट होता, मुझे शैम्पू करना ही है, तो आप कम से कम 2 घंटे का टाइम रखिए, 2 घंटे का आप टाइम गैप लीजिए, उसी के बाद अपने आप शैम्पू को कीजिए। अब एक लेडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मिनोक्सिडिल लगाने से कहीं उनके फेशियल हेयर तो नहीं बढ़ जाएंगे? तो डेफिनेटली आप ये ध्यान दीजिए कि जिस जगह पर आप मिनोक्सिडिल लगा रहे हैं वहीं के बाल जो है वो ग्रो करेगा। तो आप यदि आप सिर पे मिनोक्सिडिल को लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोरहेड पे, साइड पे या कानों पे मिनोक्सिडिल ना लगे। यदि कानों पे मिनोक्सिडिल लगेगा या साइड में या फोरहेड पे मिनोक्सिडिल लगेगा तो वहाँ पे भी बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में अभी वीडियो के कि हैंड वॉश करना ज़रूरी है मिनोक्सिडिल के बाद, तो होता कि हमने बहुत पेशेंट्स में देखा है वो हैंड वॉश नहीं करते हैं, उनके हाथ पे फिंगर्स की तरफ यहाँ पे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, स्पेशली लेडीज़ में। सो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनोक्सिडिल लगाने के बाद आप हाथों को धो लें, मिनोक्सिडिल साइड में ना लगे, कानों पे ना लगे, सिर्फ उसी एरिया में लगे जहाँ पे कि आपको मिनोक्सिडिल को लगाना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैंने काफ़ी चीज़ें मिनोक्सिडिल के बारे में इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे आप बटन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।